सुभाष बराला की जनसभा में ना पहुंचने पर अमित शाह का बयान, तो खराब स्वास्थ्य के चलते टोहाना नहीं पहुंच पाया। तो अमित शाह ने इसके पीछे तर्क दिया है कि सेहत का हवाला उन्होंने देते हुए कहा है कि इसके चलते मैं इस जनसभा में नहीं पहुंच पाया, तो जनसभा में नहीं पहुंचने पर मैं टोहाना की जनता से माफी मांगता हूं। तो गले की खराबी की वजह से सुबह में आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया, तो अमित शाह ने टोहाना की जनता से माफी मांगी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, तो टोहाना में सुभाष बराला की जनसभा में ना पहुंचने पर अमित शाह की तरफ से सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि खराब स्वास्थ्य के चलते वो टोहाना की जनसभा में नहीं पहुंच पाए, जिसके लिए वो टोहाना की जनता से माफी मांगते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। तो गले की खराबी के चलते सुबह में आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया और इसके लिए मैं टोहाना की जनता से माफी मांगता हूं। तो टोहाना में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला की जनसभा थी जिसमें गृहमंत्री अमित शाह नहीं पहुंच पाए थे, जिस पर अब उन्होंने टोहाना की जनता से माफी मांगी। मैं टोहाना की जनता का क्षमा प्रार्थी हूं कि आज मुझे टोहाना हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी को जिताने के लिए आना था, मगर मैं मेरे स्वास्थ्य के कारण आ नहीं पाया। गले की खराबी के कारण सुबह मैं आपके यहाँ उपस्थित नहीं हुआ, परंतु मैं आपको अपील करना चाहता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष श्री बराला, उन्होंने पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत किया है और सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके समग्र हरियाणा के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमने उनको एक प्रत्याशी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा फिर से एक बार विकास के रास्ते पर चले, फिर से एक बार श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, इसलिए सुभाष बराला को प्रचंड बहुमत से जिताने की मैं आप सभी को अपील करता हूं।